पांचवें टेस्ट के लिए टीम इंडिया में डेब्यू करने जा रहा है ईशान किशन का भी बाप। खड़े खड़े मारता है लंबे लंबे छक्के, रोहित ने अचानक कर दिया बड़ा ऐलान। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से पांचवें टेस्ट के लिए टीम इंडिया में एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी का डेब्यू होने जा रहा है, सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मुकाबला धर्मशाला में 7 मार्च से 11 मार्च के बीच खेला जाएगा। अब ये मुकाबला दोस्तों अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया चाहेगी कि इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया जाए। वहीं इंग्लैंड की टीम चाहेगी कि निश्चित ही इस मुकाबले को जीता जाए और जो हमारी सर्वनाश प्रदर्शन रहा है उससे बचा जाए। लेकिन दोस्तों, पांचवें टेस्ट मुकाबले में क्या कुछ होने वाला है ये तो मैच शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, वो है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर, जिसके अब दबाव धीरे धीरे बाहर आते जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अगर बात करें टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बहुत ही धाकड़ खिलाड़ी की एंट्री हुई है। दरअसल दोस्तों, रांची में खेले गए मुकाबले को टीम इंडिया ने 5 विकेट के बड़े अंतर से जीता था और तभी सबको पता चल गया था कि आखिरी मुकाबले में बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। और उसमें दोस्तों एक और बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया का एक खिलाड़ी पूरी तरीके से इस टेस्ट सीरीज में फ्लॉप रहा है और वो बाहर जाएगा। दरअसल जिस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ने दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही इस टेस्ट सीरीज में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है। पाटीदार ने 6 इनिंग्स में बल्लेबाजी की है 3 मैचेस की, जिसमें केवल और केवल 63 रन बनाए हैं और यहां पर दोस्तों उनका एवरेज 10.5 का रहा, जो दिखाता है कि रजत पाटीदार पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों, रजत पाटीदार ने पिछले मैच में तो यहाँ पर पहली इनिंग में केवल 12 किया और सेकंड इनिंग में 0 पर आउट हो गए। इसी वजह से टीम इंडिया उनको ड्रॉप करेगी और जो खिलाड़ी दोस्तों टीम इंडिया में आएगा वो खिलाड़ी खड़े खड़े लंबे लंबे छक्का मारता है और ईशान किशन भी उसके आगे कुछ नहीं है। दरअसल मैं जिस खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ उनका नाम है देवदत्त पदिकल। जी हाँ दोस्तों, 23 वर्षीय देवदत्त पदिकल टीम इंडिया में वापसी करने जा रहे हैं और ये भारतीय टीम के उन बल्लेबाजों में से हैं जो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी करते हैं लेकिन क्रिस गेल जैसे खतरनाक शैली से खेल खेलते हैं। पहले RCB और अब राजस्थान की तरफ से खेलने वाले देवदत्त पदिकल ने दोस्तों हाल ही में खेली गई डोमेस्टिक में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। डोमेस्टिक मैचेस में उनके प्रदर्शन के हाई फाई प्रदर्शन को देखते हुए BCCI ने उनको टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका दिया था और जिस तरीके से रजत पाटीदार फ्लॉप हुए हैं उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अब उनकी जगह पर देवदत्त पदिकल को टीम इंडिया में जगह मिलने वाली है। जिसको देखने के बाद ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया जब उनको मौका देगी तो उससे भारतीय टीम को काफी फायदा भी होने वाला है। वैसे आप किस पर क्या राय है कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि रजत पाटीदार की जगह पर देवदत्त पदिकल कहना सही होगा, ये भी बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।